मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत बुधवार को छुरिया में लगभग 200 साल पुराने मंदिर में पहुंचे, जहां मां शीतला विराजित है। मुख्यमंत्री ने मंदिर के पुजारी की मौजूदगी में विधि विधान से माता शीतला की पूजा अर्चना की और प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात में कहा कि हम विधानसभा में कानून बनाते हैं और मंत्रालय में योजनाएं और उसके नियम बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार को बने 4 साल है, जिनमें से 2 साल कोरोना में बीत गया। इन 4 साल के दौरान राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हुआ है या नहीं, जानने के लिए मैंने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत की है। कुंडी बना कर रखे कई जन किसान गिल्लारी से खेते खरीब प्लांट दे, कई जन किसान मन है तो धान दुआ के हार्वेस्टर में तो पैदल है खरी गांज के रखे पैरा दान करे बस। कुछ किसान मन है तो आगे लगा दे, ये अच्छा बात है ना। कावर के पर्यावरण पर बहुत जरूरी है कि ये कार्बन उत्सर्जन हो तो गर्मी बाढ़ी टेम्परेचर बाढ़ी तो बहुत अगर समस्या के सामना करना पड़े। अभी दिल्ली में पंजाब में हरियाणा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब जन जब पैरा लागी लगा दे तो धुंधिया भरे वहाँ जीना मुश्किल हो गए, फेफड़ा में सब कार्बन जमा थे, मतलब बिना सिगरेट बीड़ी पिए छाते में रोज 10 सिगरेट के कार्बन जमा थे। हमारे ये दूसरा योजना है तेना गोधन न्याय योजना, जेमे गौ पालक मन है दिगर मन के दिगर से हम गोबर खरीदता, कौन कौन ऐसे साथी मन है जो गोबर बेचे काम कर गोबर बेचता वर्मी कंपोस्ट बनाकर समूह में 1200 कौन कौन ऐसे साथी मन है जो गोबर बेचे काम कर गोबर बेचता वर्मी कंपोस्ट बनाकर।